देखिए, सोशल मीडिया पर अभी एक ट्रेंड चला हुआ है बॉयकॉट आदिपुरुष। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया किस लिए चलाया गया, तो बताया गया कि जो आउम रावत है उन्होंने मंदिर के अंदर कृति सेन उनकी पप्पी ले ली, इन्होंने धर्म का विरोध किया है, धर्म का ना पालन नहीं किया अच्छे से, इसलिए हम बॉयकॉट करेंगे। फिर मैंने कुछ नाम पढ़े कि कौन कौन लोग बॉयकॉट के नारे लगा रहे हैं और मेरा शक निकला भाई बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताता हूँ असली माजरा क्या है। यस, आउम रावत ने किस किया था, लेकिन सबसे पहले वो मंदिर के अंदर नहीं था, और दूसरा अगर ये मंदिर के अंदर भी होता तो इस चीज को लेकर कोई बुरी बात नहीं थी। भाई दे हग और वहां पर उन्होंने किस किया और उसके साथ क्या बोला था कि भाई गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद दें। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज में आउम रावत ने बोला हुआ है कि कृति सेनन इज लाइक माय यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर समझते हो, छोटी बहन। दल्लो, कुछ भी खबर फैलाने से पहले एक बार पूरा आगे पीछे तो देख लिया करो। और जो किस हुआ है ये पार्किंग से भी बाहर जाके हुआ है, और मैं अगेन आई एम सेइंग कि मेरे को इस चीज से कोई लोड ही नहीं है। भाई आदमी की श्रद्धा देखी जाती है। तुम चाहते हो कि मूवी फ्लॉप हो, भाई कुछ हैं लोग जो चाहते हैं कि मूवी बायकॉट हो जाए, और भाई आई नो देर आर लूप्स इन मूवीज, मूवी के अंदर लूप है, रावण को लेकर रूप है, भगवान श्री राम को लेकर रूप है, लेकिन नाम इसमें जुड़ा हुआ है प्रभु श्री राम का, तो देखेंगे। तुम कितना भी जोर लगा लो हम देखेंगे, तुम अपनी गेंद मरा लो हम तो देखेंगे। भाई बिल्कुल देखी जाएगी मूवी, कोई इसमें शंका ही नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूँ, बायकॉट से थोड़ा दूर रहे। यस आई नो लूप्स, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रद्धा से बनाई गई चीज़ है ये, एंड दिस इज नॉट फॉर प्रमोशनल वीडियो। ओम रावत ने पैसे नहीं दिए, प्रभास ने पैसे नहीं दिए। आई नो वट इज जरूरी टू वॉच, बच्चे पूछेंगे यार इसके बाद कि पापा ये कैसे हुआ, चाचा ये कैसे हुआ, दादा ये कैसे हुआ, और उसके बाद कहानियाँ सुनाई जाएंगी प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की, प्यार की, प्रेम की, सच्चाई की, जीत की, वो कहानियाँ ज़्यादा जरूरी हैं। बच्चे पूछेंगे पापा जो एक सीट खाली छोड़ी गई है थिएटर में, ये क्यों किया गया, तो हम बताएंगे कि जहाँ जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी होते हैं, इसलिए हर थिएटर में एक सीट खाली छोड़ी गई है कि हनुमान जी आएंगे। बाकी अब दोस्तों आपकी मर्जी, सच्चाई मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद ना हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी कैसे ही रहेगी। जय श्री राम।